एंड वेलकम टू माय चैनल गुडीज फैशन एंड ब्यूटी। मेरी इससे पहले की वीडियो जिसमें कि मैंने आदिवासी हिक्की पिक्की हर्बल हेयर ऑयल का ऑनेस्ट रिव्यू किया था, वो आपने अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने उस आदिवासी हिक्की पिक्की हर्बल हेयर ऑयल की ना पूरी सच्चाई आपके सामने बहुत ही ईमानदारी से रखी है, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू अपना दिया है। और आप अगर वो हेयर ऑयल खरीदने की सोच रहे हैं ना, तो वो वीडियो आपको मस्ट जाकर देखनी ही चाहिए। बहुत ही बेकार ऑयल है, आपको उससे ना 1500 का लॉस होने वाला है। अगर आप अपने लॉस से बचना चाहते हैं ना, तो एक बार जाके वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि जो आदिवासी जो हिक्की पिक्की हेयर हर्बल हेयर ऑयल है ना, इसका रिव्यू ना आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा जो सेलिब्रिटीज़ लोग भी उसका रिव्यू कर रहे हैं, तो अगर उस धोखे में आप बिल्कुल मत आना और मेरी वो वीडियो देखना, तो आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने खुद उसे यूज़ किया है, लगभग 1.5 महीने मैंने यूज़ किया, उसके बाद उसका रिव्यू दिया है मैंने, और मेरे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल हुए थे। लेकिन अभी मैं कुछ दिन से मतलब जो हेयर लॉस हो चुका था उसकी रिकवरी के लिए मैं खुद अपनी बनाई हुई रेमेडीज यूज़ कर रही हूँ, और बिलीव करिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे बाल अभी बहुत ज़्यादा सिल्की एंड शाइन लग रहे हैं, बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा जो चमक रहे हैं, जो बालों में एक चमक है ना, वो मेरी वापस आ गई है। छोटे छोटे हेयर ग्रोथ भी होने स्टार्ट हो गए हैं। ये मैंने किस तरह से रिकवरी इसका किया, इसकी मैं फुल डिटेल आपको दूंगी। साथ ही साथ आप हेयर पैक तो लगाओगे ही, उसके साथ ही आपको कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं ना, वो भी मैं आपको बता दूंगी, ताकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए, अपन कभी भी अगर हेयर लॉस होता है ना, तो हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि एक्सटर्नली हम लोग बालों पर क्या लगा लें जिससे कि हेयर फॉल जो है वो रुक जाए, लेकिन रियलिटी तो ये होती है कि हेयर लॉस होने का, हेयर फॉल होने का सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम कारण होता है हमारी डाइट। अगर हमने अपनी डाइट सही से नहीं अगर हम लेते हैं ना, एक बैलेंस डाइट होता है, अगर उसको हम फॉलो नहीं करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल होने लगते हैं। तो इसकी सारी जानकारी अगर आपको चाहिए ना, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है, और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आप बहुत सारा पानी पीना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है ना, तो हमारे रूट्स जो है वो कमज़ोर होने लगते हैं, और साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। तो सबसे पहले आपको पानी पीना है बहुत ज़्यादा, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं, आपको विटामिन सी के जो कैप्सूल्स आते हैं, टैबलेट आते हैं, आपको वो लेने हैं, और साथ ही साथ आपको विटामिन डी और कैल्शियम, ये सब कुछ आपको, जो भी मल्टी विटामिन जो भी टैबलेट्स आते हैं ना, वो आपको आपके डॉक्टर से परामर्श लेके आपको उसको लिखवा लेना है, और आपको उसको खाना है, ठीक है। विटामिन ई की आप चाहे तो कैप्सूल जो है वो मतलब कि अल्टरनेट डे में अपने रूट्स में लगा सकते हो, उसके बाद आपको बालों को वॉश करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, थोड़ा सा स्टिकी लगता है, बट कुछ नहीं, उतना भी ज़्यादा नहीं लगता है कि आपको उससे कुछ परेशानी होने वाली है। तो विटामिन ई की कैप्सूल आप लगा सकते हो, और साथ ही साथ आप जो भी हेयर पैक लगाते हो ना, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो हेयर टाइप है वो क्या है। जिस तरह से हमारी स्किन टाइप होती है ना, उसी तरह से हमारी हेयर टाइप भी होती है, मीन्स कि किसी किसी के बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर होते हैं, इनफैक्ट मेरे हेयर भी थोड़े ड्राई ही है, किसी किसी के बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, मीन्स कि जिनके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज होता है ना, उनके स्कैल्प, उनके जो बाल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, खासकर गर्मियों में उनके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो उसके कारण ही उनके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके बाल जो है वो किस कैटेगरी में आता है, मीन्स कि नॉर्मल है, ड्राई है, या फिर थोड़ा ऑयली है। साथ ही साथ आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स खाइए, जो भी सीजनल फ्रूट होते हैं ना, वो आपको मार्केट में बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे, तो आप वो फ्रूट आप खा सकते हो। जैसे एग्जांपल में मैं दे देती हूँ, जैसे आप गाजर खा सकते हो, आप कुकुम्बर खा सकते हो, इस तरह से आप जो भी आपको जो भी सुविधा लगता है वेजिटेबल और आप फ्रूट्स खा सकते हो। साथ ही साथ आप जब जान जाओगे कि मेरी हेयर टाइप क्या है ना, उस हिसाब से आपको रेमेडी ट्राई करनी है। ये नहीं कि आपने यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख लिया और उससे आप एक रेमेडी तैयार करते हो, अपने बालों पे लगा लो, तो आप सोचोगे कि उसका रिजल्ट मिलेगा, तो
तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो सबसे पहले वो टाइप भी मैं बता देती हूँ, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली है ना, तो आपको कोई भी जब आप हेयर पैक बनाते हो ना, तो उसमें जो ऑयल वाली सामग्रियां है ना, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। जैसे कि आप दही मत लगाना, अगर वैसा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा अगर ऑयली है तो आप उसमें दही को स्किप कर सकते हो, उसकी जगह पे आप नींबू ले सकते हो। उसके बाद अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा मीन्स कि अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आपको कोई भी हेयर पैक आप बनाते हो ना, तो उसमें आप अपने बालों को सबसे पहले वन नाइट बिफोर आप अच्छे से ऑयलिंग कर लो बालों पर। उसके बाद आप जब वो हेयर पैक भी बनाते हो ना, तो उसमें भी एक जो थिक कंसिस्टेंसी का आप एक ऑयल यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी जो मैं हेयर पैक बनाने वाली हूँ ना, उसमें मैं अरंडी का तेल मीन्स कि कैस्टर ऑयल में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल भी मैंने जैसा कि आपको बताया कि थोड़े ड्राई ही है। और अगर आप नॉर्मल है तो आप कोई भी रेमेडी आप लगा लो, अगर आपको सूट करता है ना, तो वो आपके लिए ओके है। तो चलो फिर सबसे पहले अभी क्योंकि मैंने वो आदिवासी हिकपी की हर्बल हेयर ऑयल लगाया था, जिससे कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, तो उससे मैंने किस तरह से अपने बालों को बचाया, और आप देख सकते हो कि मेरी हेयर ग्रोथ अभी ठीक है। तो अभी फिलहाल बढ़ते हैं आगे में, जो मेन मेरा ये वीडियो है उसकी तरफ। तो वो वाली वीडियो देखना है तो आप उस वाले जो मेरे और एक वीडियो है ना, आदिवासी हिकपी की हर्बल हेयर, उसका रिव्यू मैंने किया, वहाँ से आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। उसके बाद देखिए, सबसे पहले तो मेरे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहे थे, मैं तो बिल्कुल ही टेंशन में आ गई थी कि ये मैंने क्या कर लिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इतना अच्छा रिव्यू था तो मुझे लगा कि नहीं ये तो फ़ायदेमंद ही होगा, लेकिन अब इससे तो मुझे तो नुकसान ही हुआ। बाकी पता नहीं अगर किसी को फ़ायदा हुआ होगा तो मैं नहीं जानती, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर खोजोगे ना, तो आपको ऐसे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कि वो लोग बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट करें, तो हो सकता है उनको इनसे फ़ायदा हुआ होगा। खैर अभी मैंने बनाया एक जो नुपुर का सॉरी मैंने बनाया एक गोदरेज का हेयर जो हिना आता है ना मेहंदी, उसका एक हेयर पैक बनाया है, जिसको कि मैंने अपने बालों पर अप्लाई किया लगभग 2 घंटे। और इसको मैं वीक में सिर्फ 1 या 2 डे ही मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल ड्राई है और मेहंदी से बाल ड्राई होते हैं। तो मेहंदी से बाल ड्राई होते, लेकिन मेहंदी हमारे बालों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, तो उससे अब हम अपने बालों को ड्राई होने से कैसे बचाएंगे, तो उसमें इसमें कुछ खास चीज़ें मैं जो मिक्स कर रही हूँ, आप वो ध्यान देना कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको मिक्स करने से अगर आपके बाल ड्राई है तो आपको वो नुकसान नहीं करेगा और उल्टा आपको फ़ायदा ही करेगा। तो सबसे पहले तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है इसका, आप क्या करना कि ये मेरे बाल थोड़े लंबे हैं, तो इसके लिए मैंने 2 पैकेट यूज़ किया, ये 5 रुपीज़ का आता है, बहुत ही सस्ता है। तो 5 रुपीज़ के 2 पैकेट गोदरेज का मेहंदी मैंने यूज़ किया है, जो प्योर हिना है, उसमें लिखा हुआ था प्योर हिना है, तो वो बिल्कुल शुद्ध होगा शायद। तो वो उसको मैंने 2 पैकेट यूज़ किया है, जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत थोड़ी थोड़ी ही थी। उसमें फिर मैंने क्या किया, 6-7 लौंग लिया, लौंग और थोड़े करी पत्ते आपको आपके आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, मैं तो मेरे ही गार्डन में है, तो इसलिए मुझे तो बहुत आसानी से मिल जाता है। थोड़ा सा आपको अगर आप चाहे तो मेथी को थोड़ा फुला देना, 4-5 घंटे फुला देना, आप उसका भी उसको भी पीस कर उसका मिक्सचर भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैंने उसे स्किप किया है, क्योंकि अभी मैंने मेथी वाला फेस जो हेयर पैक है ना, वो अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही लगाया था, इसलिए मैंने अभी इसमें फिलहाल वो मिक्स नहीं किया है। उसके बाद फिर मैंने इसमें यूज़ किया है चाय पत्ती, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, सेकंड इंग्रेडिएंट, फर्स्ट तो हिना ही है, सेकंड इंग्रेडिएंट में ये है चाय पत्ती का पानी। तो आपको थोड़ा चाय पत्ती लेना है, उसको अच्छे से उबाल देना है, उसमें करी लीव्स डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पानी को छान लेना है, छानने के बाद आपको थोड़ा ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद ये बात ज़रूरी है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको लेना है एक लोहे का बर्तन, मेरे पास लोहे की कढ़ाई थी तो मैंने उसको अच्छी तरह से साफ कर लिया था, उसमें मैंने ये हेयर पैक को अच्छी तरह से बना दिया है। अभी इसको क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स करके, और आपको क्या करना है कि इसको ढककर छोड़ देना है। और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी नेक्स्ट मॉर्निंग जब अभी ये रात को मैं बना के छोड़ रही हूँ, आपको भी रात को ही बना के इसे अच्छे से घोल के छोड़ना है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है, इसमें आपको लेना है एलोवेरा का जेल, जो कि जिस तरह से मैंने निकाला है ना, बिल्कुल आपको उस तरह से ही अच्छी तरह से निकाल के इसको ले लेना है। आप कंघी की मदद से निकालोगे ना तो बहुत ही ईजीली निकल जाता है,
ठीक है, इसमें कोई ग्राइंडर्स का यूज नहीं करना है आपको, जस्ट आप ऐसे कंघी से रब कर देना, देखना वो तुरंत जेल निकल आएगा। उसके साथ आपको डालना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल इसलिए क्योंकि मेरे बाल थोड़े ड्राई है, तो उसके लिए कैस्टर ऑयल, अगर आपके बाल ड्राई है तो कैस्टर ऑयल ले लो। नॉर्मल है तो आप उसकी जगह पे दही ले सकते हो, और अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है ना तो आप कैस्टर ऑयल को अवॉइड कर दो, उसकी जगह पे आप नींबू ले सकते हो। ये ऑप्शन मैंने दे दिया, आप इसमें से कुछ भी मिलाकर इसको अच्छे तरह से पैक को बना लो। बालों को वन नाइट बिफोर आप चाहे तो अच्छे तरह से ऑयल मसाज दे दो। मैंने हल्के फुल्के ऑयल लगाया था, मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया था, तो बस उसके बाद आपको इसको मॉर्निंग में अच्छे तरह से बालों को पहले कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद आपको अच्छे तरह से इसको लगा देना है। लगा के आप अपने टाइम के अनुसार एक घंटे से ऊपर ही छोड़ना, मैंने तो 2 घंटे के बाद वॉश किया था, तो आप 2 घंटे लगभग छोड़ दो। 2 घंटे के बाद मैं मॉर्निंग के अपने सारे काम निपटा कर मैंने क्या किया, इससे जब मैं नहाने गई अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है तो मैं मंदिर गई, मंदिर से आने के बाद मैं अच्छे से बालों को मैं कॉम की हूँ। उसके बाद अभी मैं शांति से वीडियो बना रही हूँ और आप देख सकते हो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिल्की शाइन और बहुत अच्छा, एक अपने आप में एक बहुत अच्छी इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, ये बहुत ही अच्छी है। एक मेहंदी की जो स्मेल होती है ना, वो मुझे तो खासकर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये आप देख सकते हो इसका रिजल्ट। तो अगर आपको भी ऐसे सिल्की साइन बाल चाहिए ना, तो आप ये वाला हेयर पैक बना के जरूर लिखना और अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये किस तरह से फ़ायदा किया, या आपकी जो हेयर टाइप है वो क्या है, और उसमें मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं तो। और स्किन से रिलेटेड भी मैं बहुत सारी वीडियो अभी अपलोड करने वाली हूँ, तो मेरी हर वीडियो को देखना है आपको, और सारी वीडियो आपकी काम की होने वाली है। तो अभी ये वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपकी काम की होगी। मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।